हाय मेरे दोस्त, YouTube में स्वागत है। आप हमारे चैनल में जो नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आप लोग तो पेफोन यूज करते होंगे, मगर ऐसा आप सबको ही कभी कभी हो ही जाता है। जो अनलेवल टू प्रोसेस प्रॉफिट लिखता है, वह 24 घंटा वर्ष के लिए ये लॉक हो जाता है। तो आप लोग इसे खोलने के लिए कितने लोग के पास जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता है, इसलिए हमें एक वीडियो बनाया हूँ और वीडियो बनाकर आप लोग को मेरे चैनल में डाल रहा हूँ। जो आप लोग देख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा भैया। देखिए, मैं बताना ना चाहता हूँ, आगे के वीडियो में बने रहिएगा। यह वीडियो देखिए, अपना पे फोन नंबर, पहले पे फोन को खोलिएगा जिस जगह पर वो अपना मोबाइल नंबर खोजेगा, मोबाइल नंबर और डालने के बाद इस तरह का 24 घंटा वर्ष लिखाएगा। तो आप को सोचना नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से इसे अनलेवल टू प्रोसीड कर सकते हो। ट्रायंगल है, कंटिन्यू सपोर्ट है, चेंज मोबाइल नंबर, और यह जो आप बहुत देखिए, जो आप एन लेवल टू प्रोसेस लिखा रहा है उसने कंट्रोल सपोर्ट अब चेंज मोबाइल नंबर यह भी। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अपना मोबाइल नंबर को 24 घंटा जो वर्ष लिखता है उसके पहले आप नहीं छेड़छाड़ कीजिएगा, क्योंकि छेड़छाड़ कीजिएगा तो आगे की ओर 72 घंटा आपको यह प्रोसेस लिख सकता है। इसके लिए आपको अब ट्रायंगल पर जाना है, परफेक्ट करना है, फिर उसी तरह से 24 घंटा वर्ष आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर करना है, तो आपको लिखेगा लॉगिन इन रिजेक्टर, हाउ टू लॉगिन रिजेक्ट अवे टू 11। तो आपको करना क्या है, वाई वेंट करेक्ट अकाउंट आई रेडी फॉर फोन अकाउंट। तो आपको क्या करना है, पे फोर्ड के एंट्री द डिजिटल मोबाइल नंबर और इंटर द पिन पासपोर्ट आई हैव लॉग इन द ईमेल आईडी, जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालना होगा, द जो आप इंटर 6 अंक का डिजिटल पासपोर्ट डालना होगा। इसके लिए आपको हाउ टेक पर जाना है, फिर आपको फिर वहीं चलाना है, क्योंकि वहां से आप खोल ना पाइएगा, इसलिए आपको फिर वहीं आना है। अलाउ टू प्रोसेस पर ट्रायंगल लिखेगा, जिसको ट्रायंगल करने से आपका बहुत आसानी से पे फोन का निश्चित नहीं हो सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताता हूँ आप लोग को कि यह किस तरह से वीडियो में होगा। आप 24 घंटा के बाद देखिए, 24 घंटा हो चुका है, अब अपना मोबाइल नंबर डालें और उसमें डिजिटल पासपोर्ट खोज रहा है, तो आपको नहीं पता होगा तो ऑथर लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा, जो लिखा है ऑथर लॉगिन पर जी। तो फिर 24 घंटा और वहीं हो जाएगा। तो इस पर आपको फिर क्या करना है कि अब कुछ पल तक वेट करना है और फिर आपको बैक जाना है। देखिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और फिर ऑथर लॉगिन पर क्लिक कीजिए और इसमें लिखा है लॉगिन विथ ओटीपी और लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस, तो आपको सेंडिंग एसएमएस पर क्लिक करना होगा। लॉगिन हाँ, फिर अपना 6 अंक का ओटीपी आपको जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आएगा, आपका बहुत आसानी से खुल जाएगा, आप पे फोन खुल गया। आप जिनको भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी करना होगा तो आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। फिर आपको चेंज पासपोर्ट करना होगा, चेंज पासपोर्ट पर जाइएगा और इंटर द ओल्ड पासपोर्ट खोजेगा, तो अपना ओल्ड पासपोर्ट नहीं पता, आप फॉरवर्ड कीजिएगा। फॉरवर्ड करने के बाद आपको 4 अंक का उधर से ओटीपी आएगा, फिर उसे डाल देना होगा। ए,
आसानी से उसे डालने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और बहुत आसानी से आपका हो गया। जय हिंद।